तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद अनु मैम से मिल रहे हैं। अनु मैम से मतलब समझ लो कि आप लोग होली के बाद ही अनु मैम आई हैं, और लगभग मतलब 10-15 दिन का गैप हो गया था। 10 दिन का तो आप मान ही लो, क्योंकि 8th of March से मतलब इनको जो छुट्टी दिया था, और मतलब आज ज्वाइन करा रहा हूँ, है ना। तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट आप लोग देख सकते हो कि बिना साइकिल चलाए हुए कैसे अनु मैम फिर से बांव दोनों ऊपर रख के और चला पा रही हैं। तो बस इसका रीज़न होता है कि जो हमने ड्रिल इनको कराया था उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, आप लोग मानो या ना मानो। अगर हमारे इतने सारे वीडियोस अगर आप लोग देख कर भी अभी भी अब इस चीज़ पे अगर आप लोग नहीं मान रहे हो कि वीडियोस कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है वो ड्रिल वाला, तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखो और उसके बाद फिर आप लोग बताना कि क्या रिज़ल्ट आया। ड्रिल बहुत काम करता है। तो अभी अनु मैम देखिए कैसे आ रही हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रही हैं, और मतलब आज ही पकड़ी है दोनों पाँव पर रख के। और अभी इनसे हम लोग बात भी करेंगे कैसा इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इतने दिनों बाद इनको क्या कैसा लग रहा था, ठीक है। तो अभी इनसे हम लोग बात करने जा रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा चलाना आता था और इनको क्या लग रहा था, ठीक है। तो हेलो मैम, फर्स्ट डे जो आपने ज्वाइन किया था तो आपको क्या लगा था कि आप सीख पाएंगे? स्कूटी वॉज माई ड्रीम, आई थिंक मैं 2015 से ही सोच रही हूँ कि सीखूंगी, बट मेरी शादी हो गई, फिर उसके बाद बेबी हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत मतलब लोग कहते थे चलो सिखा देती हूँ, बट अपने लेजीनेस के कारण मैं नहीं सीख पाती थी। अच्छा, तो मुझे लगता था आज सीखूंगी कल सीखूंगी, और एक्चुअली सिखाने वाले पे भी मुझे भरोसा नहीं था। मेरे खुद के हस्बैंड पे मुझे लगता था कि वो पता नहीं सिखा पाएंगे कि नहीं, वो दौड़ मैं गिर जाऊंगी। अच्छा, तो और भैया लोग भी थे, वो लोग भी बोलते थे कि मैं सिखा दूंगा, बट मैं मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कोई ऐसा सिखाने वाला चाहिए जो मतलब मुझे गिराए नहीं। फर्स्ट डे मैंने सर से बात किया, एक्चुअल में मेरा डेडिकेशन और सर की मेहनत, सर का डेडिकेशन, सर का तरीका, एक्चुअल में तरीका जो होता है किसी का माइंड सेट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता था कि मैं मुझे स्कूटी आएगा चलाना, क्योंकि मैं साइकिल भी आई थिंक 15 ईयर्स या 17 ईयर्स हो गए मेरे साइकिल चलाए हुए। अच्छा, वो भी मैंने फील्ड में ही चलाया है, मैं कभी भी रोड पे मतलब नहीं चलाई। कहते हैं कि लोग साइकिल चलाते हैं तो स्कूटी सीख लेते, मेरे दिमाग में था कि मैं स्कूटी कभी चला ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे साइकिल नहीं आता। अच्छा, कभी मैं स्टार्ट भी मतलब मेरे घर में स्कूटी था, बट मैं स्टार्ट करने का भी डेयर नहीं करती थी क्योंकि लगता था अरे मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी इस वजह से। बट अच्छा लगता है कि मतलब सर का मेहनत और आपका होली के पहले स्टार्ट किया था ट्रेनिंग, तो आपका लगभग काफी अच्छा मुझे लगता है 10 दिन का गैप हो गया है। 10 दिन, 10 डेज। तो आपको क्या लगा था कि मैं पूरा भूल जाऊंगी? ऐसा मैं 3 डेज की थी होली के पहले आई थिंक, और मैं मुझे लगता था कि काश सर सिखा के ही चले जाते तो ठीक रहता, थोड़ा ट्रेनिंग में रहती तो अच्छा लगता। मैं सोच रही थी कि स्टार्ट करूंगी तो कहीं मुझे डांट ना लग जाए, मुझे कुछ आया ही नहीं, मैं भूल गई हूँ, मुझे ड्रिल लगाना, मुझे गाड़ी स्टार्ट करना, मतलब मेरे घर में भी स्कूटी था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चलाते हैं, बट मैं बोली नहीं मैं सर के साथ ही चलाऊंगी, मैं खुद से नहीं चलाऊंगी, आप किसी के साथ मैं गिर जाऊंगी। तो आज मतलब आप काफ़ी अच्छा मतलब कर पा रहे हैं, मतलब एक्चुअली मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे करना है, मैं करूंगी बिल्कुल, और सर है तो मैं कर लूंगी बिल्कुल, इस वजह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल, कर लेंगे। मेरे में अगर हिम्मत नहीं रहता तो अभी मैं आती भी नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, चलाइए फिर। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं कि मैम आज होली के बाद खुद बता रही हैं आई हैं और काफ़ी अच्छा कर पा रही हैं। अभी तो और इनका भी बहुत बाकी है, अभी तो आज ग्राउंड पे हम लोग फिर इनको रोड पे भी निकालेंगे, तो सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको मैम रोड पे दिखने वाली हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगी मैम, होपफुली। इतना मेहनत मैम कर रही हैं और हमारा भी मेहनत चल ही रहा है साथ में, तो दोनों काम करता है। और जैसा कि मैम बताई हैं पूरी चीज़, तो वो आप लोग मैम से ही सुने हो, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग ड्राइविंग स्कूल वाले खुद से बोल रहे हैं तो अपना बड़ाई हर लोग करता है, तो हम लोग वो चीज़ नहीं है कि मैम जैसा खुद में फील कर रही हैं वही चीज़ मैम बता भी रही हैं, आप लोग देख सकते हो। तो फिर मैम के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।